जय माता दी। सिमसा माता के मंदिर में कब आए थे आप? हम लोग आए थे 12 अक्टूबर 2021 में। अच्छा, आज 12-13 अक्टूबर 2022 है, एक साल का अंदर ही है। अच्छा, क्या फल दिया था माता रानी? आम और नींबू दिया था माता रानी। आम और नींबू दिया था। कहाँ से आए थे आप? हम अमृतसर से आए, वैसे है गोरखपुर के रहने। अच्छा, ऐसे गोरखपुर के रहने वाले और रहते हैं अमृतसर में। अच्छा, अब क्या संतान हुई है? अब लड़की हुई। अच्छा, ये लड़की हुई है आपके घर में। इससे पहले भी कभी आपके? हाँ, उससे पहले 5 महीने गए ऑनलाइन दर्शन पंडित जी ने करवाए थे, वो खराब हो गया, फिर पंडित जी बोले आना पड़ेगा इधर, फिर हम लोग आए। हम लोग उसके बाद से एक साल बाद हम लोग का सपना पूरा हुआ। माता रानी ने हमको बच्चा दिया, लड़की दी है। अब आप किस पुजारी के पास रहते हैं? पुजारी जी। जब आप प्रहलाद पुजारी के पास आए थे, उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? बहुत अच्छा व्यवहार किया था, घर के जैसे किया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस बीच जैसे आपके पास बच्चा नहीं था, तो आपने कोई डॉक्टरी वगैरह इलाज भी करवाया? हाँ, डॉक्टरी तो करवाया था, दवाई कराया था और दवाई भी कराया। तो क्या बोलते थे डॉक्टर? डॉक्टर बोलते थे कोई बात नहीं, बच्चा 10 साल के बाद हुई लड़की। अच्छा अच्छा, निसंतान के घर संतान देने वाली सिमसा माता की बोलो, शारदा माता की, सिमसा माता की, निसंतान के संतान देने वाली माता की जयकारा, सेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय माता दी।